बच्चा चोरी की अफवाहें कौन फैला रहा है? बच्चा चोरी की अफवाहें खासकर अशिक्षित लोग फैला रहे हैं और ये जो कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जाकर ये अफवाहें फैल रही हैं। क्या बच्चा चोरी की अफवाह रोकने पुलिस नाकाम है? पुलिस नाकाम नहीं है, वो अपना पूरी कोशिश कर रही है और हर जगह जाके लोग को जागरूक कर रही है, लेकिन जो अफवाहें फैला रहे हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही है, एक एक गांव से दूसरे गांव में फैल रही है, जिससे पुलिस कोशिश तो कर रही है लेकिन अफवाहें लगातार फैलती जा रही है। क्या अफवाह रोकने का कानून लचीला है? अफवाह रोकने का कानून लचीला नहीं है, पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन जो लोग हैं, जो अफवाहें हैं वो लगातार फैलती जा रही है और अफवाहों को रोकना इतना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है इतना। और जो क्या अफवाह फैलाने वाले बेखौफ हैं? अफवाह फैलाने वाले बेखौफ नहीं है, लेकिन जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल तक भिजवाना चाहिए, जिससे जो लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं उनको एक सबक मिले। बच्चा चोरी अफवाहों की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? बच्चा चोरी की अफवाहों के लिए जो अफवाहें फैला रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, जिससे जो लोग डर जाते हैं, जो भिखारी आते हैं जिनको देख लेते हैं, जो बहुत ही लाचार है उनको बच्चा चोरी जो चोर होते हैं उनको समझ के पीटते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं तथा मर भी जाते हैं, तो उनके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चा चोरी की अफवाहें कौन फैला रहा है? बच्चा चोरी की अफवाहें अशिक्षित और अनपढ़ लोग फैला रहे हैं जो समाज को मतलब तोड़ना चाहते हैं। क्या बच्चा चोरी की अफवाह रोकने में पुलिस नाकाम है? बच्चा चोरी की अफवाहें रोकने में पुलिस नाकाम नहीं है, वो अपनी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अशिक्षित लोग फैला देते हैं कि यहाँ पर बच्चा चोरी हो रही है, तो यहाँ जब पुलिस जाती है तो दूसरे देश में मतलब बच्चा चोरी की अफवाह फैलने लगती है। क्या अफवाह रोकने का कानून लचीला है? अफवाह रोकने का काम लचीला नहीं है, हमारे देश की पुलिस इस काम को बहुत जोर शोर से कर रही है। क्या अफवाह फैलाने वाले बेखौफ है? अफवाह फैलाने वाले लोग बेखौफ नहीं है, कुछ अनपढ़ लोग या गरीब तलवे के लोग या मतलब कह सकते हैं भिखारी लोग अगर कहीं दिख जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये बच्चा चोर है और ये बच्चा चुराते हैं, इसलिए ये लोग बेखौफ नहीं है। बच्चा चोरी की अफवाहें कौन फैला रहा है? बच्चा चोरी की अफवाहों के फैलाने का काम शुरू में कुछ शरारती तत्वों ने किया और उसकी वजह से आम जनता को इकट्ठा करके उनको बरगलाया और फालतू में लोगों को पकड़ करके मारपीट की। ये अफवाह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव फैलती जा रही है और इसमें पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अफवाह फैलाने वाले कौन हैं और उनका मकसद क्या है। हो सकता है वो कुछ विद्रोह टाइप का काम कर रहे हों तो उनको सख्ती से कुचल देना चाहिए। क्या बच्चा चोरी की अफवाह रोकने में पुलिस नाकाम है? पुलिस शुरुआती दौर में नाकाम रही, लेकिन अब पुलिस काफी सक्रियता से काम कर रही है और वो विभिन्न लोगों को पकड़ रही है और जो कानून सम्मत नियम है, रास्ते हैं, उनको अपना करके रोकने का प्रयास कर रही है। क्या अफवाह रोकने का कानून लचीला है? अफवाह रोकने का कानून लचीला हो सकता है, लेकिन उसमें हर कानून में छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों को उपयोग करके कुछ शरारती तत्व या अफवाहें फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। क्या अफवाह फैलाने वाले बेखौफ हैं? अफवाह फैलाने वालों में जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे बेखौफ रहेंगे और उनकी इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कानून सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर सख्त से सख्त किया जाना चाहिए। बच्चा चोरी अफवाहों की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? बच्चा चोरी की अफवाहों से कुछ निरपराध लोग मारे गए और उनकी जान भी चली गई, कुछ उतहिल हो गए, इस सब के जिम्मेदार अराजक तत्व हैं, इनको सख्ती से कुचला जाए और इस प्रवृत्ति को रोका जाए। बच्चा चोरी की अफवाहें कौन फैला रहा है? बच्चा चोरी की अफवाहें
जो असामाजिक तत्व हैं, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, अशिक्षित हैं, वो लोग इस तरह की जो है हवाएं फैला रहे हैं। क्या बच्चा चोरी की अफवाह रोकने में पुलिस नाकाम है? पुलिस किसी भी तरह की चोरी रोकने में नाकाम नहीं है और पुलिस अपना काम अपने तरीके से कर रही है। क्या अफवाह रोकने का कानून लचीला है? अफवाह रोकने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व हैं, वो अफवाह फैला करके और उस जगह से गायब हो जाते हैं। क्या अफवाह फैलाने वाले बेखौफ हैं? अफवाह फैलाने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए तो अफवाह फैला करके और समाज के दूसरे लोगों को बरगला करके और उस जगह से वो लापता हो जाते हैं। बच्चा चोरी अफवाहों की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? अफवाह चोरी में मौतों में जिम्मेदार वही है जो इस तरह की घटनाएं पैदा करते हैं, जो कि बच्चा चोरी की घटनाएं बता करके और निर्दोष लोगों समाज के लोगों को द्वारा मारने पीटने का काम करवाते हैं। इसमें दोषी वही है जो इस तरह के अफवाह फैलाते हैं कि ये बच्चा चोर है, दोषी वही व्यक्ति है।